Hey guys, my name is Tejasvi and welcome back to my channel. आज मैं आई हूँ एक लेक साइड प्रॉपर्टी विजिट करने, विच इज वेरी लग्जरियस एंड रिलैक्सिंग, जहाँ पर लेक व्यू वाले क्यूट से कॉटेजेस है और मल्टीपल एक्टिविटीज आज हम करने वाले हैं. सो वेलकम टू केप निर्वाणा. ये पांचेत में है, नियर पुणे. ऑल्सो मुंबई से भी यहाँ तक आप आ सकते हो. यहाँ पर आने का सबसे बेस्ट वे इज बाय योर ओन प्राइवेट व्हीकल. यहाँ पर प्लेंटी ऑफ पार्किंग स्पेस अवेलेबल है. ऑल्सो इसके अलावा यू कैन रेंट अ बाइक फ्रॉम पुणे सिटी और वो रेंटेड बाइक लेके आप यहाँ तक आ सकते हो. सो आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन, नाउ लेट्स एक्सप्लोर यहाँ के रूम्स. यहाँ पर टोटल दो अलग अलग टाइप ऑफ रूम्स है. एक जो है वो क्यूट सी कॉटेजेस है और अनदर इज प्रीमियम रूम. तो चलो एक एक करके उन्हें एक्सप्लोर करते हैं. सो गाइस, ये है यहाँ की प्रीमियम रूम. इट्स वेरी लग्जरियस एज वेल एज स्पेशियस. यहाँ पर 2 to 4 पीपल आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं. एक्स्ट्रा मैट्रेस प्रोवाइड की जाती है. ये रूम मुझे एम्बियंस वाइज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, एज यहाँ का जो फर्नीचर है वो एकदम मिनिमलिस्टिक है. लाइक दिस स्मॉल वार्डरोब, देन बेड साइड दो छोटे छोटे टेबल्स है. ऑल्सो ये जो बेड साइड लैम्प लगाया है उसकी वजह से इसका लुक एकदम एस्थेटिक आ रहा है. अब इसके बाद यहाँ पर ये है इस रूम का वॉशरूम. अब जितना ये रूम लग्जरियस है उतना ही इसका वॉशरूम, जहाँ पर यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम हैंड वॉश टू बॉडी वॉश, देन शैम्पू, लोशन एंड एवरीथिंग. तो आपको घर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है. अब वन मोर थिंग विच आई लाइक अबाउट दिस रूम इज दिस क्यूट स्मॉल विंडो, जहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल बार का व्यू दिखाई देता है. सो आफ्टर प्रीमियम रूम नेक्स्ट है ये कॉटेजेस. तो चलो उन्हें एक्सप्लोर करते हैं. तो ये है इसका अंदर से व्यू. कॉटेजेस जो है वो काफी बड़े हैं, तो यहाँ पर आराम से 4 to 5 पीपल अकोमोडेट कर सकते हैं. यहाँ पर डबल बेड के साथ ही साथ एक सोफा भी दिया गया है, जहाँ पर बैठ के आप चिल कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो. अब यहाँ के सभी रूम्स में एसी अवेलेबल है. ऑल्सो यहाँ सभी रूम्स में मिनिमलिस्टिक फर्नीचर है, विच आर रियली लाइक. इन दिस रूम यू विल गेट दिस ह्यूज मिरर एज वेल एज ह्यूज वॉशरूम विथ ऑल द बेसिक एमिनिटीज. अब द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रूम इज ये व्यू. कॉटेजेस से आपको स्विमिंग पूल का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देगा. ऑल्सो यहाँ पर मस्त ऐसी सिटिंग एरिया बनाया है, जहाँ पर आप बैठ के इवनिंग टी वगैरह जो है वो एंजॉय कर सकते हो इस व्यू के साथ. सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग यहाँ के रूम्स, नाउ लेट्स एक्सप्लोर दी अदर थिंग्स. जैसे कि ये है यहाँ का स्विमिंग पूल एरिया. स्विमिंग पूल तो काफी बड़ा है एंड इट्स प्रीटी क्लीन एज वेल. बट उसी के साथ द बेस्ट थिंग इज दिस लाउंज एरिया, जो कि स्विमिंग पूल के साइड में ही है. यहाँ पर बैठ के आप मस्त स्विमिंग पूल के साइड में रिलैक्स कर सकते हो, चिल कर सकते हो, एज वेल एज अगर आपको बुक रीडिंग करना पसंद हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो. अब थोड़ी देर यहाँ पर रिलैक्स करने के बाद यहाँ की गेम्स एंड एक्टिविटीज की बात करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट मैं आपको यहाँ के एक्टिविटीज बताती हूँ. तो सबसे फर्स्ट हम जा रहे कायाकिंग करने के लिए लेक की तरफ. अब एज ये लेक साइड प्रॉपर्टी है तो उसका एडवांटेज ये होता है कि आपको यहाँ पर लेक में कुछ एक्टिविटीज करने मिलती है. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कायाकिंग, तो कायाकिंग के साथ ही साथ यहाँ पर एक मोटर बोट भी है, तो आप बोटिंग भी कर सकते हो. अब ये सारे एक्टिविटीज करने के लिए आप सनसेट या फिर सनराइज के टाइम पर आ सकते हो, आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा. सो आफ्टर कायाकिंग एंड बोटिंग लेक साइड मैंने ब्यूटीफुल सनसेट देखा और फिर मैं वापस यहाँ पर आई. यहाँ के सारे लाइट्स ऑन हो चुके हैं और ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. तो उसी के साथ मेरा यहाँ पर इवनिंग हाई टी और स्नैक्स भी आया, तो मैं यहाँ पर पूल साइड बैठ के ही एंजॉय करने वाली हूँ. तो अब मस्त गर्मा गर्म चाय और भजिया खाने के बाद मैं आपको लेकर चलती हूँ गेम जोन एरिया में. तो गाइज, ये है यहाँ का गेम जोन एरिया. यहाँ पर प्रॉपर ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट्स है, तो आप बैठकर मस्त यहाँ कुछ गेम्स खेल सकते हो, लाइक कैरम, देन बोर्ड गेम, कार्ड्स वगैरह.
ऑल्सो यहीं पर फूड भी सर्व किया जाता है। इफ अगर आपका बड़ा ग्रुप हो तो यहाँ पर बुफे सिस्टम से खाना सर्व किया जाता है और यहाँ पर आपको खाने में वेज एंड नॉन वेज ऐसे दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे और दोनों के दोनों ही बहुत टेस्टी है। तो यहाँ पर थोड़ी देर गेम्स खेलने के बाद चलो चलते नीचे। दिस होल प्रॉपर्टी इज सो फोटोजेनिक और इन लाइट्स की वजह से मेरा तो मन कर रहा है हर जगह बस फोटोज ही क्लिक करते रहो। तो गाइस ये है यहाँ का दूसरा सिटिंग एरिया। इट्स वेरी बिग एंड दिस इज स्पेशली फॉर द ग्रुप। अगर आप ग्रुप में आते हो तो यहाँ पर बैठकर मस्त म्यूजिक वगैरह लगा सकते हो, जैमिंग सेशन कर सकते हो या फिर ग्रुप गेम्स भी खेल सकते हो। इस प्रॉपर्टी का एक चीज मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा, दैट इज यहाँ पर आउटडोर सिटिंग एरिया में हर जगह फैन अवेलेबल है, विच इज अ प्लस पॉइंट। दी ओनली थिंग मिसिंग हियर इज नेटवर्क, बट यहाँ पर आपको फ्री वाईफाई मिल जाएगा। बट मैं तो बोलूंगी कि आप यहाँ आके वो भी ना यूज करें, बिकॉज कभी कभार खुद को डिजिटली डिटॉक्स करना भी उतना ही जरूरी होता है। सो गाइस नाउ इट्स 10 o'clock एंड डिनर हैज बीन सर्व। एज आई सेड यहाँ पर वेज एंड नॉन वेज ऐसे दोनों आपको मिल जाएगा एंड ओवरऑल यहाँ का फूड मुझे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगा, तो ये भी मुझे बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। तो मैं फटाफट ये फिनिश करती हूँ और मिलती हूँ आपको डिनर के बाद। आफ्टर डिनर यहाँ पर मस्त आप बॉनफायर लगाकर बैठ सकते हो। यहाँ ऐसे सेपरेट एरिया है फॉर बॉनफायर वेयर यू कैन सिट विथ योर गैंग एंड देन कॉल इट ऑफ योर डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, यहाँ अर्ली मॉर्निंग मस्त बर्ड की आवाज सुनते सुनते यू कैन स्टार्ट योर डे। आप चाहे तो लेक के पास भी जा सकते हो, अराउंड 8 o'clock तक यू विल गेट योर ब्रेकफास्ट। मुझे थोड़ा जल्दी निकलना था इसलिए मैंने जल्दी ब्रेकफास्ट मंगवाया एंड उन्होंने वो ऑन टाइम अरेंज भी किया, तो यहाँ की सर्विस इज ऑल्सो वेरी गुड। तो मस्त थोड़े बहुत फोटोज क्लिक करके यू कैन चेक आउट फ्रॉम दिस वंडरफुल प्रॉपर्टी। सो गाइज ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट केप निर्वाणा। मुझे तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आया। अगर कभी आपको भी चिल करना हो, रिलैक्स करना हो, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। मैंने इसकी सारी बुकिंग डिटेल्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, ऑल्सो बुकिंग कॉन्टैक्ट भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, आप उस पर कॉल करके या फिर मैसेज करके बुकिंग कर सकते हो। एंड उसी के साथ आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन जो आ जाएगा। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।